सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की मत कहें कि आप इन्फिनिक्स मोबाइल में, दोस्तों आपके पास इन्फिनिक्स का कोई भी मोबाइल है और उसमें आप गेस्चर नेविगेशन को ऑन करना चाहते हैं और अपनी बटन्स को हाइड करना चाहते हैं, तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में गेस्चर नेविगेशन को इनेबल कर पाएंगे। तो स्विफ्ट गेस्चर नेविगेशन को ऑन करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम, तो आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है गेस्चर नेविगेशन, तो आपको सिंपल गेस्चर नेविगेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसको कैसे यूज करना है वो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है बैक। दोस्तों यहाँ पे आप अगर साइड से स्लाइड करते हैं तो आपका बैक आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों स्लाइड करेंगे तो आपका जो दोस्तों होम स्क्रीन डायरेक्ट कट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं और बीच में दोस्तों प्रेस कर देते हैं तो आपका जो रिसेंट ऐप रहता है ऐप बार वो आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में दोस्तों आसान तरीके से स्विफ्ट गेस्चर नेविगेशन को ऑन कर पाएंगे। तो वीडियो से कम लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।